दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ उमरान मलिक और टीम नटराजन को लेकर बुरा फंसी बीसीसीआई। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उमरान मलिक और टीम नटराजन के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में इस समय आईपीएल खेला जा रहा है और ऐसे में अब तक आईपीएल 2022 के 57 मुकाबले खेले जा चुके हैं, यानी कि अब तक आधा आईपीएल खेला जा चुका है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल खत्म होने के बाद भारत टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज भारत में खेली जाएगी और ऐसे में यह सीरीज अलग अलग राज्यों में खेली जाएगी। वहीं पहला मुकाबला 9 जून को दिल्ली में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला 12 जून को कटक में खेला जाएगा, तो वहीं तीसरा मुकाबला 14 जून को विजाग में खेला जाएगा, तो वहीं चौथा मुकाबला 17 जून को राजकोट में खेला जाएगा, तो वहीं पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला 19 जून को खेला जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले बीसीसीआई उमरान मलिक और टी नटराजन को लेकर बुरी तरीके से फंसी हुई है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन पेश कर रहे हैं और ऐसे में वहीं दोस्तों पहले बात करें उमरान मलिक की, तो आईपीएल 2022 में उमरान मलिक जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम की तरफ से खेल रहे हैं और ऐसे में अब तक उमरान ने शानदार प्रदर्शन पेश कर रहे हैं। वहीं अब तक उमरान मलिक ने 11 मैचों में 15 विकेट हासिल कर रहे हैं और ऐसे में उमरान मलिक के शानदार प्रदर्शन के चलते उमरान मलिक को भारतीय टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों बात करें टी नटराजन की, तो आईपीएल 2022 में टी नटराजन जो कि सनराइजर हैदराबाद टीम की तरफ से खेल रहे हैं और ऐसे में अब तक नटराजन ने 9 मैचों में 17 विकेट हासिल करें और ऐसे में टी नटराजन के शानदार प्रदर्शन के चलते टी नटराजन को भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम में इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत